किसी ने क्या खूब कहा है, जब इंसान के अंदर लालच पैदा होता है तो उसके सुख और संतुष्टि दोनों को नष्ट कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि लालच बुरी बला होती है, जिसका अर्थ है जो लालच करता है उसे नुकसान भुगतना पड़ता है। किसी भी वस्तु की चाह होने और उसकी लालच होने में बहुत फर्क होता है। चाह में व्यक्ति उस वस्तु के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसे लालच होता है तो उस वस्तु को पाने के लिए प्रपंच करता है, जिसमें वो दूसरे का अहित करने से भी नहीं चूकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। एक राज्य का राजा न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उसके सामने एक अजीब मामला आया, जिसमें तय कर पाना मुश्किल था कि कौन अपराधी है। मामला कुछ इस तरह था, एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पैसे से भरे एक थैली पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें 100 मुहरे थी। उसने सोचा इसे राजकीय विभाग में दे देना चाहिए। ऐसा सोचते वो वहां से निकल पड़ा। तभी उसे एक व्यक्ति मिला, जिसने थैली देख भिखारी को बोला, यह मेरी थैली है, तुम मुझे लौटा दो। पारितोषिक के रूप में मैं थैली में रखे धन का आधा तुम्हें दे दूंगा। यह सुन भिखारी ने उस राहगीर को थैली दे दी। राहगीर कुछ चालाक प्रतीत हो रहा था। उसने जैसे ही थैली को देखा तो कहने लगा कि इसमें 200 मोहरे थी, जिसका मतलब 100 तुमने पहले ही ले ली, अब मुझे तुम मेरी 100 मोहरे लौटा दो। भिखारी को बहुत गुस्सा आया। भिखारी की नियत में खोट न था, इसलिए उसने राजा के पास न्याय के लिए जाना स्वीकार किया। दोनों राजा के दरबार गए और पूरा किस्सा राजा को विस्तार से सुनाया गया। राजा ने कुछ देर सोचा और विचार कर तय किया कि राहगीर ही गलत है, क्योंकि भिखारी को तो आधे धन की भी लालसा नहीं थी। वो तो राजकीय विभाग में मुहरे देने जा रहा था। जिस तरह से रास्ते में राहगीर ने यह सौदेबाजी की है, मतलब वो इस थैली में रखी धनराशि के बारे में जानता था। यह थैली उसी की है, लेकिन उसके मन में लालच आ गया और उसने परिस्थिति का फायदा उठाने और अधिक धन पाने में यह बवंडर रचा। राजा ने उसे सबक सिखाने के लिए न्याय के रूप में थैली का आधा धन भिखारी को दिया और आधा राजकोष में दे दिया और इस राहगीर से कह दिया गया कि यह थैली उसकी नहीं है, जब उसकी थैली मिलेगी उसे दे दी जाएगी। इस तरह राजगीर को लालच के फलस्वरूप खुद का धन भी प्राप्त वापस न मिला। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। किसी भी चीज को पाने की मनसा में अच्छे बुरे का ध्यान न रखना ही लालच का भाव है। जिस वस्तु पर आपका कोई अधिकार ना हो, उसे पाने की चाह भी लालच का स्वरूप है। इस भाव से सदैव दूर रहे, क्योंकि यह विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार कौरवों को सत्ता का लालच था और उन्होंने उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचे, लेकिन अंत में उन्हें जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। लालच का भाव ही मनुष्य को अहित के मार्ग पर ले जाता है। लालच में उसे सही गलत का भान नहीं रहता दोस्तों, उसे बस पाने की चाह होती है। ऐसे में वो एक अंधे रास्ते पर इतना अंदर तक चला जाता है कि जब उसे गलती का पता चलता है वो वापस भी नहीं लौटा पाता। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। कहावतें अपने छोटे स्वरूप में भी अथाह ज्ञान को लिए होती हैं। इस तरह कहावतों पर बनी कहानी पढ़कर या सुनाकर हम आप खुद को और अपने बच्चों को सही गलत का ज्ञान
दे सकते हैं। ऐसी कहानियां सदैव यादों में जगह बना लेती है और मनुष्य को मार्गदर्शन देती है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बेहतरीन मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।